अद्भुत हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। ये हमारे आने वाले वक्त के लिए, आने वाले समय के लिए एक संदेश है कि हम समय के साथ हमको किस तरह से चलना पड़ेगा, समय के साथ हमें किस तरह से बदलना पड़ेगा, इस वक्त को हमें सही तरीके से समझना पड़ेगा। जब हम आज से 70 साल पहले अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे, उस गुलामी के लिए हमारे देश के अनेक वीर जवानों ने, हमारे देश के अनेक महान सपूतों ने अपना कण कण रज रज से बना शरीर इस भारत माता की बलि बेटी के लिए चढ़ा दिया। हमारे देश में ऐसी वीरंगनाएं पैदा हुई जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़ों को मां भारती की आजादी के लिए क्रांति में झोंक दिया। ऐसे वीर सपूतों, ऐसे वीर वीरांगनाओं को आज हम स्वतंत्रता दिवस पर इस तिरंगे झंडे के नीचे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन शहीदों को नमन करते हैं जिनकी बदौलत हम आजाद हिंदुस्तान का जो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इस जीवन पर पहुंचे हैं, वो हमारे लिए निश्चित ही उन महापुरुषों, उन महान विभूतियों का अहम योगदान है। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, हम लगातार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं, लेकिन अचानक जो बदली हुई परिस्थितियां आज हम देख रहे हैं, हमारे सामने जो जिस तरह की एक विकट विकराल एक महामारी आई है, वो हमें सोचने के लिए मजबूर कर रही है। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग साधु संत कहते थे कि 100 साल बाद बड़ा बड़ी आएगी। इतिहास अपने आप को दोहराता है, इससे पहले भी कई महामारियां आई, उन महामारियों का सामना किया, लाखों लोग उस महामारी में नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, जिसके हमारे पूर्वज गवाह है, जिसका हमारा इतिहास गवाह है। लेकिन आज बदले हुए समय में हमारी लोक कल्याणकारी सरकारों ने और विश्व के इस वैज्ञानिक युग में मनुष्य के प्रति, जनता को, जनता के प्रति शासन को ज्यादा जवाबदेही और उत्तरदायी बनाया है। इसी कारण सरकारें, WHO और सारी दुनिया व्यक्ति की जान की चिंता करते हैं, उनको बचाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम, तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह की गाइडलाइंस जारी करते हैं। इसी गाइडलाइंस के तहत आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह परिस्थितियां बदलती जाएगी, यह समय चलता रहेगा, इस समय के साथ हमें भी चलता रहना पड़ेगा। हमें बदले हुए परिवेश में, बदले हुए समय के साथ हमारी शिक्षा को हम कैसे आगे बढ़ाएं, हमारी विद्या को हम किस तरह से आगे लेके जाएं, हमारे गांव का विकास इस महामारी के संक्रमण के दौर में कैसे आगे लेकर जाएं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को किस तरह से अच्छा पद लेकर इस समय के साथ चलने के लिए काबिल बनाएं, यह हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने, चीफ गेस्ट महोदय ने भी बात बताई कि हमारे सरकारी विद्यालय का जो शिक्षा का स्तर है, जो हमारे गांव के अनुकूल नहीं, हमारी आज की युवा पीढ़ी के आकांक्षाओं और इच्छाओं के अनुरूप नहीं, जिसका हम सब युवाओं और पढ़े लिखे नौजवानों को दुख और दर्द महसूस होता है, जिनके दर्द को मैं पढ़े लिखे नौजवानों का समझता हूं। ये मजबूरियां, ये समस्याएं कहां खड़ी हुई, इसके तहत तक हमें जाना जरूरी है। मैं ग्रामीण सज्जनों से, युवा साथियों से, गांव के उत्तरदायी व्यक्तियों से, गांव के नेतृत्वकर्ता से उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह की रिसर्च करें, इस तरह की समझ पैदा करें कि हम बेहतर शिक्षा और अच्छा एजुकेशन किस तरह से अपने गांव के, अपने आने वाली पीढ़ी को प्रदान करें। हमें आज ये सोचने का वक्त आ खड़ा है, ये महामारी हमारे लिए एक चुनौती जो हमें प्रेरणा भी दे सकती है।
हर चुनौती किसी व्यक्ति के लिए, किसी गांव के लिए, किसी समय और परिस्थिति के लिए एक नया अध्याय लेकर आती है, एक नई जिंदगी और एक नए सपने को लेकर आती है। मैं इस महामारी के दौरान भी एक बहुत सुंदर सपना देख रहा हूं। हम आज से पहले सिर्फ ऐसी एजुकेशनों के बारे में चुनते थे, सिर्फ सपने में या फिर थोड़ा सा कल्पना में या थोड़ा देखा और सुना सुनाया बातें करते थे कि कोटा में ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे पढ़ाया जाता है, लाखों की फीस का भुगतान करना पड़ता है, गरीब के लिए वो नसीब नहीं था। लेकिन आज इस कोरोना महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, मुझे इस तरह के लोगों की, इस तरह की पढ़ाई को देखने को मिला। जो गांव का गरीब बच्चा घर बैठे वो चीज सीख सकता है, ये हमारे लिए बीमारी एक सौभाग्य लेकर, एक भाग्य की रेखा लेकर, एक भाग्य की नई लकीर लिखने के लिए आई है। अगर हम इस अपनी महामारी को भी अगर अपनी सीढ़ी बना लेंगे, अपनी जिंदगी की अगर राह बना लेंगे, तो आप निश्चित रूप से हमारे लिए महामारी नहीं, हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाएगी, हमारे लिए एक चुनौती, एक नया अध्याय जुड़ जाएगी। क्योंकि इस महामारी, इस लॉकडाउन में अक्सर मेरे से युवा साथी, जो कंपटीशन की तैयारी करता है, जो पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी, जो मुझसे कुछ बातें करता है, तो मैं ये कहता हूँ, आज सारे जमीन पे खड़े हैं। आज से पहले कुछ लोग आसमान की ऊंचाइयों पर उड़े हुए थे, वो आज वो भी जमीन पर है, और जो जमीन पर है वो भी जमीन पर है। अब आपको साहब साथ उड़ाने भरनी है, उस उड़ान में जो पीछे रह गए वो जिंदगी में पीछे रह जाओगे। ये सबको बराबर करने के लिए एक भक्त प्रकृति सबको समान करने के लिए कोई न कोई पल अवसर पैदा करती है। ये हमारे ग्रामीणों के लिए, हमारे गरीबों के लिए, हमारे आज तक जो पीछे रह गए उनके लिए अवसर पैदा करने के लिए एक समय आया है। इस समय को जानिए, इस समय को समझिए, इस समय को अपना हथियार बनाइए, इस समय को अपना शस्त्र बनाइए। अक्सर मैं कहा करता हूं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो आपको सब कुछ सामना करने की ताकत पैदा करती है। शिक्षा अंधेरे के वक्त स्थल पर उजाले की गीत लिखने की ताकत रखती है। शिक्षा अपने जीवन में अंधकार को मिटाकर प्रकाशमान बना देती है। शिक्षा हमारी पीढ़ी को संस्कार देती है। शिक्षा हमें ज्ञान और चमत्कार भी देती है। अगर कोई संसार में चमत्कार है तो किसी चमत्कार उन साधु संतों, उन भोपों से नहीं मिलता है। अगर चमत्कार जानना चाहते हो तो उन किताबों में पढ़िए, उन किताबों के ज्ञान को पढ़िए, निश्चित रूप से आपको चमत्कार प्रदान देगा, आपको वो ताकत देगा, वो ऊर्जा देगा। एक समय हुआ करता था जब तलवार और बालों के बल पर युद्ध जीता जाते थे। एक समय हुआ करता था जब जिसके पास परमाणु शक्ति है वो युद्ध जीत सकता है, लेकिन अब समय आ गया जिसके पास शिक्षा की ताकत है, जिसके पास विज्ञान की ताकत है, वो दुनिया के युद्ध को जीत सकता है, अपने अंदर की बुराइयों को जीत सकता है, अपने परिवार की गरीबी को जीत सकता है, अपने गाँव में जो कमियां हैं उन चीजों को मिटा सकता है। ये सबसे बड़ी ताकत शिक्षा में है। तो मेरे ग्रामीण सज्जनों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, मेरे ऊर्जावान सरपंच साथी, अगर आप इस बात को गौर से समझेंगे, हम सब मिलकर साथ चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर इस शिक्षा जगत की क्रांति की नई शुरुआत करेंगे, हम सब जमीन पर है अगर उड़ान को साथ भरने की कोशिश करेंगे, तो हम उन शहर वालों, उन अमीर वालों, उन कंप्यूटर के युग में हमसे 10 साल पहले पढ़ने वाले लोगों के आज हम बराबर है। अगर आज हम पिछड़ गए तो प्रकृति बार बार अवसर हमें प्रदान नहीं करती है। अवसर एक ऐसी चीज है हर बार नहीं मिलता है। तो मैं कहता हूँ, समझण हार सुजान, नर मोचर चूके नहीं, ओषण रो अवसान, रे घना दिन राजिया। तो कहने का मतलब है कि जो अवसर हमें मिला है, बराबरी का अवसर मिला है, समानता का अवसर मिला है, जो हमारा संविधान पिछले 75 साल से समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष करता रहा, लेकिन इस प्रकृति ने एक ही झटके में सभी को समानता का अधिकार दे दिया, सभी को एक लाइन से दौड़ने का अवसर प्रदान कर दिया। अब इस मैराथन की दौड़ में अब आप कितने सफल हो पाते हो, कितने आगे बढ़ पाते हो, यह आपके खुद पर निर्भर है, आपकी मेहनत, आपके जज्बे, आपके जुनून, आपके जोश पर निर्भर है। अब आप ये किसी कह नहीं सकते कि हमारे गाँव में पढ़ाई नहीं होती। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो शहरों में पढ़ते हैं, वो कोटा की वो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ, आज कोटा में सबसे अधिक फीस लेने वाला शिक्षक जो वहां बैठ के पढ़ाता है, वो कम फीस पर आप यहाँ बैठकर भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
विज्ञान पढ़ना हम जैसे लोगों के लिए एक सपना था, गणित पढ़ना हम जैसे लोगों के लिए एक ख्वाब था। ख्वाब अधूरा रह गया, लेकिन आप उस ख्वाब को एक हकीकत में बदल सकते हो, एक सामान्य स्थिति से पढ़ सकते हो। जिस तरह से हम आर्ट्स को विषय को बड़ी मुश्किल से पढ़े, लेकिन आज आप विज्ञान और गणित को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। गणित और विज्ञान आपको आगे लेकर जाने का अवसर पैदा करती है, आप में बहुत सारी ऊर्जाएं पैदा करती है, आप में बड़े बड़े अवसर पैदा करती है। मैं इस बोरवा के युवा नागरिकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम एक क्रांति पैदा करें, शिक्षा जगत में एक नई क्रांति पैदा करें। मैं आरएनपी एजुकेशन के मेरे साथियों को, मेरे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे सपने को साकार करने के लिए इस तरह के मुहिम चली, इस तरह का एक प्रयास किया। निचुप से ग्रामीण एक छोटे से इलाके में इस तरह की बातें बताना, इस तरह की मैं कहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव जो शंकर जी आते हैं वो अगर आप सुनोगे, आईएएस के 2021 के एग्जाम में आप पेपर कल रोल देना, इनमें से बहुत सारे सवाल इनकी यूट्यूब लाइव से आने वाले हैं, ये मैं गारंटी कहता हूं। मैं कहता हूं जब अंग्रेजी की बात चली तो वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले आईएएस का रिजल्ट आया, 5% से कम हिंदी भाषी पास हुए हैं आईएएस परीक्षा से, 100 में से 5 लोग भी हिंदी वाले पास नहीं हुए। मेरे साथी जोगाराम जांगी ग्राम सेवक लगे थे हमारे साथ, लेकिन वो भी आईएएस एग्जाम इंग्लिश मीडियम से पास की थी, जो आज जयपुर के जिला कलेक्टर है। लेकिन वो हमारे ये ग्रामीण धरती में बाड़मेर से उस सुदूर रामसर के पास के गंगाला गांव से निकलकर एक साधारण सा विद्यार्थी आई इंग्लिश मीडियम में आईएएस बनता है 2005 की धरती से, तो ये अंग्रेजी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम अंग्रेजी में ज्यादा है, इसलिए हमें अंग्रेजी सीखने के प्रयास करें। अंग्रेजी कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं धन्यवाद देता हूं अंग्रेजी को सिखाने का जो प्रयास है आपका, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। हम सिर्फ इस एजुकेशन इस संस्थान के लिए नहीं, पूरे गांव के सारे स्कूलों के लिए अपना एक नई क्रांति जगानी, एक बच्चों में सपना जगाना है कि हम कुछ बनने के लिए एक सपना जगाएं, एक जुनून पैदा करें, एक इच्छा पैदा करें, कुछ पाने की एक चाहत पैदा करें, एक ऊर्जा पैदा करें, तो निश्चित रूप से हम वो ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। और मैं सम्मानियों से माननीयों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों का सम्मान करो जिनके पास ज्ञान है, जिनके जो विद्वान है उनका सम्मान करो। हमारा इतिहास गवाह है, राजा महाराजा भी अपने शिक्षक के सम्मान में, अपने गुरुजनों के सम्मान में सिंहासन छोड़कर उसके चरणों में गिरते थे, लेकिन आज समय बदल गया। आज समय राजनेताओं के चरणों में एक शिक्षक गिरता है, राजनेताओं के चरणों में एक शिक्षक नमन करता है, राजनेताओं के चरणों में एक विद्वान नमन करता है, तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षा का स्तर गिरा है। हमें सोचना होगा हमारी राजनीति को भी, हमारी शिक्षा नीति को भी, हमारे विद्वानों को भी, कि हमें अपना शिक्षा की जो ताकत है, शिक्षा का गौरव है, शिक्षा की जो ज्वाला है उसको समझने की जरूरत है। तो मेरे ग्रामीण सज्जनों, युवा साथियों, विद्वानों का सम्मान करो। जिस देश, जिस गांव, जिस क्षेत्र में विद्वानों का सम्मान नहीं होता, विद्वानों की इज्जत नहीं होती, विद्वान पीसी की पंक्ति में बैठकर सिर्फ बने बनाए वो राजनीतिक 2-4 लफ्ज सुनने को मिलते हैं, तो फिर इस गांव के शिक्षा का स्तर निश्चित रूप से अच्छा होने की संभावनाएं कम नजर आती है। तो मेरे युवा साथियों, विद्वानों की बात सुनो, ज्ञानों की, हाँ राजनीति भी जरूरी है। जहां हमें बहुत सारी चीजें, राजनीति और शिक्षा साथ चलकर हम एक सामंजस्य बिठाकर एक ही शानदार आगाज कर सकते हैं, क्योंकि विद्वान को भी, जब चाणक्य जैसे महान विद्वान को भी एक राजनेता की जरूरत पड़ी थी, इस घनानंद के नंद वंश को नाश करने के लिए चाणक्य जैसे महान गुरु को एक चंद्रगुप्त की जरूरत पड़ी थी, तो चंद्रगुप्त की आज भी जरूरत पड़ेगी, राजनीति की आज को भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन चाणक्यों को समझना होगा कि हमारा चंद्रगुप्त कौन है, हमारा घनानंद कौन है। इस तरह से आज के चाणक्यों को, आज के चंद्रगुप्त को भी समझना होगा कि हमारा चाणक्य कौन है, हमारा विद्वान कौन है, हमारी शिक्षा को कौन आगे ले जा सकता है। इस तरह की हमारी आज ये जो अवसर मिला है, हमें जो मौका मिला है, इस अवसर को भुनाना है। आज बड़ी खुशी का बात यह है कि हमें भगम भाग नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि मोदी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, नहीं तो अक्सर भागना वो चाहते हुए भी हमारे साथ नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि उनकी मजबूरियां होती है,
कहीं जात बुलाते हैं, जाना भी पड़ता है, नहीं जाए तो भी नहीं पड़ता, और लेकिन समय कम। लेकिन आज सारी चीजें हम खुल बैठ कर हमारे और भी युवा साथी है अच्छे होनार हमारे युवा, उनके भी आज विचार सुनने का हमें अवसर मिलना चाहिए, उनकी भी बातें हमें सुनने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल गया है। अगर हम ये समझें कि हम समझदार हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी कल्पित धारणा है। हम समझदार कितने हैं आप सोचो, अपनी पीढ़ी अपने से बहुत ज्यादा समझदार है। मेरे बच्चे को मोबाइल का पता नहीं है, मोबाइल खोलना नहीं आता है, लेकिन जो ऐप जो फोटो मैं उस पर नहीं कर सकता वो बच्चे ने कर दिया। तो आज की पीढ़ी बहुत ही ज्यादा जागरूक, बहुत ही एडवांस है। उस पीढ़ी के लिए हमें नए अवसर, हम उस पीढ़ी के लिए नए अवसर बनाए हैं, साफ सुथरे और सुंदर मार्ग बनाने की जरूरत है, उनको हम रोक नहीं सकते। हमारी आने वाली पीढ़ी जिस गति से बढ़ रही है, उस गति के मुकाबले हम उनके लिए अवसर पैदा नहीं करेंगे, उस गति के मुकाबले अगर हम साथ नहीं चलेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां, आने वाली हमारी जनरेशन विकृत हो जाएगी। जो हम सहारे कल्पनाएं करें कि हमारा बच्चा ऐसा हो, वैसा हो, संस्कारवान हो, वो हो, लेकिन हम उसके लिए वो वातावरण नहीं पैदा कर पा रहे, क्योंकि समय जिस तेज गति से बढ़ रहा है उसी तेज गति से हमारी आने वाली जनरेशन उसके अनुकूल बढ़ती जा रही है। अब हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है, ये हमें समझने की जरूरत है। मैं आज के नौजवान साथियों का बहुत ही बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे पहली बार इस तरह के नौजवान साथी मेरी बात सुनने का, आप लोगों ने जो समय निकाला, सब्र किया, लंबे समय से सब्र कर रहे हैं। पहले हम मुख्य अतिथि मोदी की सब्र में, अभी हम जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही, जैसे अंग्रेजी की बातें निश्चित रूप से आप अधिकतर हम में से नहीं जानते, फिर भी उनकी बातें सुन लें, सिर्फ हम आपका सब्र, आपकी धैर्य की, जो संयम की आज ने जो आप परीक्षा दी, निश्चित रूप से आने वाला कल मुझे सुनहरा दिखाई देता है। निश्चित रूप से आप आने वाले कल के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत करने वाले हैं। आप कई उदाहरणों से देखते हैं कि अनपढ़ माँ बाप, अनपढ़ माँ अपनी बेटियों को आईएएस बना देती है, वो सुबह 4 बजे उठकर लाठी लेकर बैठती है, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को पढ़ाती है। अनपढ़ माँ बाप, अनपढ़ पिता, वो अपने हल चलाता है, खेत में काम करता है, पसीने बहाता है, लेकिन वह अपने बच्चों को सिर्फ एक शब्द से, अपने एक जुनून से, अपने एक विचारधारा से, अपने एक सपने को दिखाकर उसको आईएएस और आईपीएस बना देता है। ऐसे ही सपने हमें जगाने हैं, ऐसे ही एक नई ऊर्जा पैदा करनी है, सपनों को जगाना है। वो सपने हमें मिले न मिले, लेकिन उस मंजिल के लिए सपने बच्चों को जरूर दिखाइए। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, sir, for this beautiful speech and for this beautiful motivation to us. आपने हमें मोटिवेटेड किया, आपने हमें अभिप्रेरित किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका समय आज तो आई थिंक समय काफी होगा आपके पास, और कोई प्रोग्राम भी नहीं है, कहीं और देखने भी नहीं जाना, तो थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा, उसको थोड़ा आप सुने मुझे, मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। जैसा कि जेडी साहब ने आपको बताया कि क्रांति, रिवोल्यूशन, एजुकेशन रिवोल्यूशन, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, इसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। लॉकडाउन लग गया, उसके बाद बच्चे घर पे, किसी ने घर पे हम किसी को पढ़ा नहीं सकते, अब घर सबके दूर दूर होते हैं, एक को नहीं पढ़ा सकते। हमने एक डिसीजन लिया, हम जितने भी युवा काम करते हैं,